गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 10, दैट इज हेलो एलकेएन एंड हेलो ई। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस हाउ वी कैन प्रिपेयर हेलो एलकेएन फ्रॉम एल्कोहल वाया यूजिंग HCl anhydrous ZnCl। तो ये हमने हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हम एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग HCl एंड अनहाइड्रोजन Cl2। और मैंने आपको बताया था कि जो HCl और अनहाइड्रोजन Cl2 है, दैट इज कलेक्टिवली नोन एज लुकास रिएजेंट। तो फिर मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि हाउ लुकास रिएजेंट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, राइट। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, वी सपोज इफ यू हैव टू प्रिपेयर ब्रोमो एल्केन्स, हम ब्रोमो एल्केन बनाना चाहते हैं एल्कोहल से, तो ROH, मैंने इसकी रिएक्शन HBr के साथ की बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RBr प्लस H2, राइट। और इसमें हम इसको क्या करते हैं बेटा, इसमें हम जब भी है ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर करेंगे तो ब्रोमो एल्केन केस में हम नॉर्मल हीटिंग ना करके उस केस में हम क्या करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लक्स। रिफ्लक्स आपकी एक डिफरेंट टाइप की हीटिंग होती है। तो जब भी हम ब्रोमो एल्केन प्रिपेयर करेंगे तो हम रिफ्लक्स करेंगे। तो मैं आपको पहले तो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिफ्लक्स क्या होता है। जैसे सपोज कर आपका ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आपका जो भी रिएक्टेंट है जिसको आपने हीट करना है वो आपने लिए, आपने हीट कर दिया इनको, ठीक है। जब आप हीट करोगे, हीट करने के बाद इसके ऊपर हीटिंग के दौरान आप क्या फिट कर देंगे, एक लॉन्ग नेक ट्यूब हमने इसके साथ फिट कर दी बेटा। ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कॉटन प्लग, राइट। तो अब जब मैं कॉटन प्लग लगा के अब इसको हीट करूंगा तो बेटा वेपर्स कभी भी बाहर एस्केप नहीं हो पाएंगे। वेपर जो है बाहर एस्केप नहीं हो पाएंगे, जो वेपर्स है वो कंडेंस होके वापिस से कहां फॉल करते जाएंगे बेटा, वो इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ही फॉल करते जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब इस कंट्रोल्ड हीटिंग को हम क्या कहेंगे, दिस कंट्रोल हीटिंग इज नोन एज रिफ्लक्स, राइट। सो अब हम आगे बात करते हैं। तो ये जो HBr है बेटा, हम हमेशा जो HBr यूज करते हैं दैट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ये HBr जो बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज करता है, जो ब्रोमीन है वो बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज करता है, तो इसलिए हम हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड HBr यूज करते हैं। तो ये HBr हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं बेटा, NaBr प्लस H2SO4 दे बोथ रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म NaHSO4 प्लस HBr, राइट। तो यहां पर ये आपका जो HBr प्रिपेयर होगा वही HBr हम इस रिएक्शन में यूज करेंगे। मैंने बताया ना कि HBr हम फ्रेशली प्रिपेयर क्यों यूज करते हैं, कि जो ब्रोमाइड आयन होते हैं Br नेगेटिव आयन वो बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज कर जाते हैं और आपके फिर वो जो सॉल्यूशन है हमारा बेकार हो जाता है, राइट। इसी तरह सपोज करो अगर आपको हाइड्रोएल्केन प्रिपेयर करना है बेटा, इफ यू वांट टू प्रिपेयर हाइड्रोएल्केन, सेम लाइक वाइज ROH हमने लिया, HI के साथ रिएक्शन करा दी बेटा, विल फॉर्म RI प्लस H2 और यहां पर भी हम इसको क्या करते हैं, रिफ्लक्स करते हैं। तो दीज आर द वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। एक तो ये वे था बेटा। इसी तरह से अगर मैं ROH लेता हूं बेटा और इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाता हूं, मैंने ROH लिया और इसकी रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दी, दैट इज PCl5। तो जब मैं इस ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाता हूँ
तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है बेटा, इट विल फॉर्म RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। जब भी मैं इस अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवाता हूँ, इट विल फॉर्म RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो ये बात बेटा, ये रिएक्शन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। जब किसी भी कंपाउंड की, जब किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन आप PCl5 के साथ करवाते हैं, किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन जब भी आप PCl5 के साथ करवाएंगे, तो POCl3 और HCl तो रिलीज होगा ही। POCl3 तो कंफर्म है, HCl तो मे भी हो सकता है कि रिलीज ना हो, बट HCl भी बहुत सारे केसेस में रिलीज होता है। तो POCl3 तो कंफर्म है बेटा, जब भी आप किसी रिएक्टेंट की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो POCl3 तो रिलीज होगा। तो इस तरह की जो ट्रिक्स है बेटा, ये मैंने जैसे आपको बताया कि PCl5 के साथ POCl3 तो रिलीज होगा ही, तो इस तरह की जो ट्रिक्स है ये आपकी कन्वर्जन में हेल्प करती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन आती हैं। तो इस तरह की जो ट्रिक्स है आपकी कन्वर्जन में हेल्प करती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बेटा, अगर मैं यहाँ पर 3ROH मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, और अगर मैं इसकी यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ PCl3 के साथ, जब मैं यहाँ पर ROH ले लेता हूँ और इसकी रिएक्शन मैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ PCl3 के साथ करवाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये तीनों OH और ये तीन क्या रिलीज हो गया बेटा, यहाँ पर ये H3PO3 रिलीज हो जाएगा, प्लस अब एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ और एक Cl इसके साथ, यानी कि हमारे पास 3RCl फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि PCl5 के साथ हमेशा POCl3 रिलीज होगा, लाइकवाइज जब भी आप कोई रिएक्शन PCl3 के साथ करते हैं, जब भी आप कोई रिएक्शन PCl3 के साथ करते हैं, तो H3PO3 तो कंफर्म रिलीज होगा, राइट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये मेथड आपका PCl3 और PCl5 के साथ होता है, यानी कि अगर मैं ऐसी ही डायरेक्ट रिएक्शन आपकी PBr5 या PI5 के लिखूं, तो डायरेक्टली रिएक्शन फिजिबल नहीं है, या ये तो कि PBr5 और PI5 ये डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते। जो PBr, जैसे PCl5 तो आपको एग्जिस्ट करता मिलेगा, नॉर्मली एग्जिस्ट करता है, बट PBr5 और PI5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैं इसी रिएक्शन को, होती है इसी तरह से है, बट इसी रिएक्शन को मैं कैसे लिखता हूँ बेटा, ROH प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस Br या I2, यानी कि हम रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 रिएक्ट करके फ्रेशली प्रिपेयर्ड PBr5 बनाते हैं। हम रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन को, या रेड फॉस्फोरस और आयोडीन को रिएक्ट करके फ्रेश PBr5 और PI5 बनाएंगे, क्योंकि ये आपके पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, बहुत जल्दी से ब्रेकडाउन इनका हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज भी बड़ा होता है और आयोडीन का साइज भी बड़ा होता है, तो बोन लेंथ बड़ी हो जाती है, तो बोन बहुत जल्दी से ब्रेक कर जाता है, तो ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता। तो इसलिए जब भी हम PBr5 या PI5 की रिएक्शन इसके साथ करवाना चाहेंगे, तो हम हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर PBr5 या PI5 यूज करेंगे। तो ये रिएक्शन मैं ऐसे लिखूंगा, रेड फॉस्फोरस Br2, बनना तो प्रोडक्ट वही है बेटा, RBr बनेगा, अगर मैं I2 यूज करूंगा तो Ri बन जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर। तो ये बात थी जब हम फॉस्फोरस के क्लोराइड्स को यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, मैंने ROH लिया और इसकी रिएक्शन मैंने SOCl2 के साथ करवा दी बेटा, व्हाट इज SOCl2, दैट इज थायरिल क्लोराइड, दैट इज थायरिल क्लोराइड। तो थायराइड क्लोराइड के साथ जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर एक तो SO2 प्रोड्यूस होती है और एक HCl प्रोड्यूस होता है, और दोनों, यानी कि एक तो ये SO2 रिलीज हो गया बेटा, एक H और एक Cl, HCl रिलीज हो गया, और प्लस हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, RCl, ठीक है।
ठीक है। और एक चीज इंटरेस्टिंग है इस रिएक्शन के लिए, क्या इंटरेस्टिंग है कि दिस द ओनली मेथड टू प्रिपेयर प्योर हेलोल्किन्स। ये अकेला मेथड है जिससे आप प्योर हेलोल्किन्स प्रोड्यूस कर सकते हो बेटा, प्योर हेलोल्किन प्रोड्यूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि SO2 भी गैस प्रोडक्ट है बेटा, HCl भी गैसियस प्रोडक्ट है, तो ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट बहुत जल्दी से क्या हो जाते हैं बेटा, एस्केप हो जाते हैं। तो जिस ओनली मेथड विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन प्रिपेयर प्योर हेलोल्किन, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में आपको सिर्फ HCl मिलेगा, SO2 और HCl गैस की फॉर्म में एस्केप हो जाएगी। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स बेटा कि कैसे हम एल्कोहल से हेलोल्किन प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड हमारा आता है बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाउ वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन्स विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले एल्कीन्स की बात करता हूं, फ्रॉम एल्कीन्स। तो आपने बेटा एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, जैसे CH3CH4CH2, या आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया। तो जब मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाता हूं बेटा, HCl के साथ जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा, जो H है वो यहां अटैक करेगा और Cl यहां अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास, CH3CHCl CH3। एंड दिस टाइप ऑफ एडिशन इज नोन एज मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ये जो एडिशन है आपकी बेटा, ये आपकी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, मतलब ये आपकी हमने 11th क्लास में भी रीड की थी बेटा, 11th क्लास में भी हमने इस एडिशन को रीड किया बेटा, मार्कोनिकोस एडिशन। क्या होती थी मार्कोनिकोस एडिशन ट्रिक, इसकी क्या थी मार्कोनिकोस की जो रिचर है उसको और रिचर बना दो, मतलब जो धनवान है उसको और धनवान बना दो, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्डेड एटम्स में से उस एटम पर जाकर अटैच होगा, जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्डेड एटम्स में से उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो यहां जाकर अटैक करेगा और जो क्लोरीन है वो यहां पर जाकर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा CH3CHCl CH3। एक तरीका तो ये है, या दूसरे तरीके से आप लर्न कर सकते हो, ट्रिक है ये सिंपली कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो डबल बॉन्डेड एटम्स में से उस एटम पर अटैक करेगा, जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो डबल बॉन्डेड एटम्स में से उस एटम पर जाकर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, यानी इस कार्बन पर अटैक करेगा, क्लियर। तो ये जो एडिशन होता है इसको मार्कोनिकोस एडिशन कहते हैं, ठीक है। एंड दिस एडिशन फॉलो द कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ये जो एडिशन है बेटा ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा, ये आपका कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। कैसे? आई लेट यू नो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। मैं बात करता हूं बेटा, यहां पर हमने CH3CH CH2 लिया गया, अब इस पे सबसे पहले X पॉजिटिव अटैक करेंगे। अब यहां बेटा दो पॉसिबिलिटीज है अटैक करने, हो सकता है कि X पॉजिटिव इस पर अटैक करे और हो सकता है कि X पॉजिटिव इस पर अटैक करे, ठीक है, यानी कि या तो डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा या डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, यानी कि या तो ये कार्बन नेगेटिव वाला होगा ये पॉजिटिव वाला, या ये नेगेटिव वाला ये
मान लो जब x पॉजिटिव यहां अटैक करता है, जब x पॉजिटिव यहां अटैक करेगा तो बीच वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? जब x पॉजिटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा तो बीच वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, क्यों? क्योंकि इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, तभी तो ये पॉजिटिव वाला यहां अटैक करेगा, ठीक है? यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गया, बट इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि इस कार्बन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव हो, तब एच यहां अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, दो बन गए। अब आपको बताया कि ये कौन सा कार्बोकैटायन है बेटा, दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन है बेटा? ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और ये कौन सा कार्बोकैटायन है बेटा आपका? दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्यों है सेकेंडरी कार्बोकैटायन? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो दो तरफ कार्बन की चेन से अटैच है, सेकेंडरी है। इसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही तरफ कार्बन की चेन से अटैच है। और मैंने आपको कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, यानी कि पॉजिटिव हमेशा सेंटर वाले कार्बन पे ही आएगा, यानी कि हाइड्रोजन हमेशा CH2 पे ही जुड़ेगा, यानी कि Cl नेगेटिव हमेशा बीच वाले कार्बन पे ही अटैक करेगा। आगे समझ बेटा आप सबको, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसी का एंटी मार्कोनी को फुल रीड करेंगे। ये तो आपने मार्कोनी को फुल स्टडी किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी मार्कोनी को रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एल्केन से हम कैसे हेलोकेन प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अभी रहता है हमारा प्रिपरेशन पार्ट, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे। आई होप आपने ये लेक्चर इंजॉय किया होगा, समझा होगा अच्छे से एक एक पॉइंट को, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर से हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत जल्दी से क्लियर होंगे। तो थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक यू।